हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग बनाते हैं ककोड़ा, खेक्सा, इसके और भी बहुत सारे नाम है इसकी सब्जी बनाते हैं, जो बहुत टेस्टी होता है, बहुत इजी और सिंपल और झटपट बन जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 300 ग्राम खेक्सा लिया है, ककोड़ा भी बोल सकते हैं, और इसको मैंने इस शेप में काट लिया है। तो मैं ये काट के आपको दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से। तो इस तरह से आपको काट लेना है, और कभी भी ना आप छोटे साइज का ही ककोड़ा लीजिए, ये ज़्यादा फायदा करता है। आप चाहे तो बड़े साइज का भी यूज कर सकते हैं। आप एक पैन लेना है, उसमें डालना है सरसों तेल, उसको गर्म कर लेना है, और अब हम लोग इसमें डालेंगे ककोड़ा, और इसको डाल के फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि इसका जो ना कच्चापन, हरापन होता है ना, वो चला जाए। देखिए इस तरह से इसको फ्राई कर लेना है अच्छे से चला के। तो आप अभी ये सीजन का टाइम है, तो आप इसको ज़रूर बना के खाइए, ये हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है, और बच्चे को तो खास कर खिलाइएगा। तो अभी कढ़ाई लेना है, उसमें डालना है सरसों तेल, सरसों तेल वो गर्म हो जाना है। इसमें मैंने कलौंजी लिया है, सौंफ लिया है और जीरा है, तीनों को एक ही मिक्स करके रखा था मैंने। तो इसको इसमें डाल देना है तेल गर्म होने के बाद, और इसमें मैं एक डाल रही हूँ लाल मिर्च तोड़ कर, और अब हम लोग डाल देंगे प्याज। तो प्याज को डाल के इसको हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे, देखिए इस तरह से। तो ये हो गया है फ्राई, देखिए। तो अब हम लोग इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसको डाल के ना 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है, ताकि लहसुन का कच्चापन चला जाए। तो देखिए इस तरह से। अब हम लोग इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, और हल्दी पाउडर। इसको डाल के अच्छे से मिला लेना है, और ये जले नहीं, इसके लिए थोड़े से इसमें डाल देना है पानी, 1-2 चम्मच के करीब। इस तरह से डाल के इसको अच्छे से मिला लेना है। देखिए इस तरह से, तो अच्छे से मिल गया। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कटी हुई हरी मिर्च, चाहे तो इसको नहीं भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टमाटर छोटे साइज का, आप चाहे तो टमाटर नहीं भी डाल सकते हैं। और इस तरह से डाल के इसको अच्छे से मिला देना। अब इसमें डालना है नमक टेस्ट के अनुसार, इस तरह से नमक डाल के इसको अच्छे से चला लेना है। और चलाने के बाद इसको कर देना है कवर, ताकि मसाले पक जाए अच्छे से। तो देखिए इस तरह से मसाले तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिए हैं, पकना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसको एक बार और हम लोग कवर करेंगे। तो अब देखिए फाइनली ये मसाले पक गए हैं अच्छे से। तो अब हम लोग इसमें डालेंगे खेक्सा फ्राई किया हुआ। तो इस तरह से इसको डाल के अच्छे से हम लोग चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, देखिए इस तरह से। अब मिक्स करने के बाद इसको हम लोग कवर कर देंगे 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि अच्छे से पक जाए। तो अभी ये कच्चा है, अच्छे से पका नहीं है, तो इसको हम लोग फिर से कवर करेंगे। इसमें मैं डालेंगे गरम मसाला और अमचूर पाउडर। तो इस तरह से इसको डाल के ना अब इसको कर देना है कवर, अच्छे से मिला लीजिए और कवर कर दीजिए, ताकि अच्छे से पक जाए। तो अब मैं इसमें डाल दी हूँ कटा हुआ धनिया पत्ता, और ये हो गया है पक के रेडी, और बहुत टेस्टी लगता है। तो आप अपने घर में बड़ों आप भी खाइए, और बच्चे को तो जरूर खिलाइए, अभी ये सीजन में है। तो अब इसको कर देते हैं बंद, और रेडी हो गया है ककोड़ा की सब्जी। मिलते हैं अगले वीडियो में, एंजॉय, बाय बाय।